वॉट इज़ हॉट वर्क परमिट तो आज हम बात करने वाले हैं हॉट वर्क परमिट के बारे में तो चलिए इसे डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो हॉट वर्क परमिट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो अथोरइज पर्सन के द्वारा इशू किया जाता है जिसमें हमें ओपन फ्लेम स्पार्क एंड अदर हाई टेम्परेचर सोर्सेस के साथ टास्क को परफॉर्म करने के लिए परमिशन मिलती है तो हॉट वर्क परमिट की मदद से हमें इन जैसे एक्टिविटीज़ करने की परमिशन मिलती है जैसे वेल्डिंग कटिंग ब्रेजिंग ग्राइंडिंग और साथ ही अदर सिमिलर टास्क को भी परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें हीट स्पार्क और फ्लेम जनरेट होता हो और इन एक्टिविटीज़ में सिग्निफिकेंट फायर और एक्सप्लोजन हिजार्ट प्रेजेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से सीरियस इंजरीज और प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है अगर इन्हें प्रॉपरली मैनेज ना किया गया तो तो चलिए अब बात करते हैं हॉट वर्क परमिट के मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में तो हॉट वर्क परमिट का ये एम होता है कि हॉट वर्क एक्टिविटीज से एसोसिएटेड पोटेंशियल फायर और एक्सप्लोजन को आइडेंटिफाई करके उसका एनालिसिस करना और साथ ही ये इंश्योर करना होता है कि जो पर्सन हॉट वर्क एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा हो वो एडिक्वेट ट्रेन हो और उस टास्क को सेफली परफॉर्म करने में कॉम्पिटेंट हो और साथ ही हमें अपने वर्क प्लेस पर अप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स को एस्टेब्लिश करना चाहिए जैसे फायर प्रिवेंशन कंट्रोल मेजर्स वेंटिलेशन सिस्टम और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को वेयर करना और साथ ही साथ ये भी वेरीफाई करें कि वर्किंग एरिया में कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल ना हो और साथ ही वहाँ पर प्रॉपर सेफ यानी फायर ब्लैंकेट या फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर अवेलेबल होना चाहिए तो इस बात का ध्यान रखना है सभी हॉट वर्क एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन रखना है फ्यूचर रेफरेंस और रेगुलेटरी कंप्लाइंसिस के लिए तो चलिए कुछ ऐसे टास्क के बारे में जानते हैं जिसके लिए हॉट वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट होती है तो फर्स्ट है वेल्डिंग और कटिंग मेटल स्ट्रक्चर और इक्विपमेंट तो इस वर्क को करने के लिए हम ओपन फ्लेम या आर्क का यूज़ करते हैं ताकि मेटल पार्ट या स्ट्रक्चर को कट या फिर ज्वाइन किया जा सके तो हॉट वर्क परमिट से आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि फायर प्रिवेंशन मेज़र्स मौजूद हो जैसे स्पार्क से बचने के लिए प्रॉपर पी का और फायर ब्लैंकेट का अवेलेबल होना और साथ ही वर्क प्लेसेस से सभी फ्लेमेबल मटेरियल्स को रिमूव करना शामिल है सेकेंड वर्क है ग्राइंडिंग और सैंडिंग ऑफ मेटल सरफेस। तो जब आप मेटल की सरफेस पर ग्राइंडिंग या सेंडिंग वर्क करते हैं तो उससे हीट और स्पार्क जनरेट होता है जिसकी वजह से वर्किंग एरिया में रखे फ्लेमेबल मटेरियल्स में आग लगने का रिस्क होता है तो हॉट वर्क परमिट की हेल्प से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि वर्किंग एरिया में प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम और प्रॉपर हाउस कीपिंग हो और साथ ही वर्क के दौरान पी को वेयर करें ताकि फायर और एक्सप्लोजन के रिस्क को कम किया जा सके आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर